हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ किशोर। वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, कंसिक्वेंटली ओबीजी का 10th क्लास होने के बाद आज का क्लास है हमारा 11th नंबर क्लास, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे फेटल सर्कुलेशन के बारे में। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, उनको पता होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट फेटल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कॉन्सेंट्रेटेडली इसको अटेंड कीजिए। ओके, सॉरी। तो फर्स्ट एज यूजुअल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए फीटस। आप सेंटेंस को समझिए फर्स्ट। ओके, इट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ए फीटस। मैंने यहाँ पे चाइल्ड मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे न्यूबॉर्न मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे मतलब क्या इन्फेंट मेंशन नहीं किया। यहाँ पे मेंशन किया गया है फीटस, दैट मींस अभी अंडर द डेवलपमेंट है। जो बेबी है वो अभी अंडर द डेवलपमेंट है इनसाइड द यूटेरस। ओके, तो यूटेरस में जो बेबी है उसमें कैसे सर्कुलेशन होता है, फीटल सर्कुलेशन में हम वही चीज़ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो द टर्म फीटल सर्कुलेशन यूज फॉर द एंटायर फेटोप्लासेंटल सर्कुलेशन व्हिच इंक्लूड्स द अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल हार्ट रेट एंड द ब्लड वेसल्स विद इन द प्लासेंटा और सर्कुलेशन बाईपास। ओके, तो ये जो टर्म है फेटल सर्कुलेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन को। दैट मीन्स ये जो सर्कुलेशन है फेटस का, जो ये जो सर्कुलेशन है किसके बीच में होता है? ये होता है फेटस टू प्लासेंटा। ओके, ये किसके बीच में ये सर्कुलेशन होता है? ये सर्कुलेशन होता है फीटस टू प्लासेंटा। क्यों? अदर टाइम क्या होता है, लंग जो है लंग फंक्शनल स्टेज में नहीं रहता। ओके, जो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, फीटस का जो लंग्स है वो फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो उसी के लिए ये जो फीटल सर्कुलेशन करना जरूरी है। ओके, उसी के लिए बाईपास चैनल क्रिएट होता है, उसी के लिए कुछ वेंस और कुछ बाईपास चैनल क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये जो फीटल सर्कुलेशन में मेनली कुछ चीज़ जो मेन जो चीज़ इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल हार्ट रेट एंड ब्लड वेसल्स, जिसके माध्यम से ब्लड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सर्कुलेशन होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखेंगे, वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, हमने डिस्कशन किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड, फेटल हार्ट रेट एंड कुछ वेंस एंड आर्टरीज जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, यही दो चार मेन क्या ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि ये जो फेटल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या रहता है? इट कॉन्टेंस टू आर्टरीज एंड वन वेन। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने आर्टरी और कितने वेन रहते हैं? वन वेन एंड टू आर्टरीज प्रेजेंट रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। ओके, ये जो आर्टरी रहते हैं इसमें आर्टरी जो प्रेजेंट रहते हैं, आर्टरी क्या करता है? आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करता है फ्रॉम द फीटस। ओके, फीटस से जो आउटपुट निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेस्ट मटेरियल, ये जो आउटपुट निकलता है फीटस से वो किस में आता है? वो कैरी करता है आर्टरीज। ओके, देन वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ तक पहुँचाता है? फीटस तक पहुँचाता है। समझ में आया? अम्बिलिकल कॉर्ड में दो आर्टरी एक वेन रहता है। आर्टरीज क्या काम करता है? फीटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर लाता है, एंड वेन क्या करता है? फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम फीटल हार्ट रेट। ओके, फीटल हार्ट रेट कितना होना चाहिए? आर द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, आर द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है फीटल हार्ट रेट? अबाउट 160 टू 170 बीट्स पर मिनट। ओके, ग्रेजुअली जब फीटस का ग्रोथ होता है, ग्रेजुअली जब फीटस का ग्रोथ होता है,
ये धीरे धीरे हार्ट रेट रिड्यूस होने लगता है, और रिड्यूस होते तक कहाँ तक, एट द टर्म कितने तक आ जाता है, 110 टू 160 बीट्स पर मिनट। ओके, तो अगर नॉर्मली पूछा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फिटल हार्ट रेट कितना रहता है, 160 टू 170 बीट्स पर मिनट, और ग्रेजुअली फिटस का ग्रोथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द टर्म वो कहाँ तक पहुँचता है रिड्यूस होके, 110 टू 160 बीट्स पर मिनट। ओके, फिटल हार्ट रेट इज अबाउट ट्वाइस द मैटरनल हार्ट रेट। ओके, ये जो फिटल हार्ट रेट है, ठीक है, फिटस का जो हार्ट रेट है वो मदर की हार्ट रेट के इंटू टू होता है। ठीक है, आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्स जो वैल्यू आपको निकालना है वो ये है कि फिटस का हार्ट रेट कितना रहेगा एट द टाइम, मदर का हार्ट रेट जितना रहेगा इंटू टू होगा किसका, फिटस का। ओके, समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट देखेंगे हम बाईपास चैनल और फिटल सर्कुलेशन बाईपास। ओके, बाईपास चैनल और फिटल सर्कुलेशन बाईपास, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। ओके, तो फिटल सर्कुलेशन बाईपास इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनल लंग्स। मैं कुछ ही टाइम पहले आपको बताया था, क्योंकि लंग्स फंक्शनल स्टेज में नहीं होता इसीलिए बाईपास क्रिएट होता है और फिटस में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, प्रोमोट होता है। ठीक है, क्यों होता है, लंग्स फंक्शनल स्टेज में नहीं होता क्योंकि हमको पता है ब्लड में जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो भी पॉइजनस गैस हैं, जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, वो फिल्टर हो जाता है लंग्स में एंड ऐड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, देन होल बॉडी को सर्कुलेशन होता है। ओके, बट इसमें क्या होता है, फिटस में क्या होता है, लंग्स नॉन फंक्शनल स्टेज में होता है, लंग्स का काम जो होता है गैस एक्सचेंज करने का वो स्टार्ट नहीं होता है, तभी ये क्या होता है, बाईपास होके बाईपास चैनल गेट होता है, तभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिटस को जाता है। ओके, तो बाईपास मस्ट क्लोज आफ्टर बर्थ टू अलाउ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द लंग्स एंड लीवर। ठीक है, बर्थ होने के बाद, ठीक है, तो बच्चा का, बेबी का बर्थ होने के बाद क्या होता है, ये जो बाईपास है, हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, बाईपास चैनल जो क्रिएट होता है वो बेबी बर्थ लेने के बाद क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि बर्थ होने के बाद क्या होता है, हमारा जो लंग्स है वो काम करना शुरू कर देता है। तो लंग्स का जब फंक्शन नहीं हो रहा था तब बाईपास चैनल के माध्यम से काम हो रहा था, जब लंग्स फंक्शन करना शुरू कर दिया तो बाईपास चैनल की और ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काम कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा। ठीक है, देन हमारा जो बाईपास चैनल है वो तीन चैनल है मेनली। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डक्टस वेनसस। ओके, फर्स्ट क्या है, डक्टस वेनसस, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन ओम्बिलिकल वेन एंड इन्फेरियर वेना कैवा। ओके, आप जब ये, मैं आपको यहाँ से मतलब क्या इसको समझा रहा हूँ, वो फिगर आपके नज़र में आना चाहिए, वो फिगर आपके माइंड में आना चाहिए, तभी जाके आप समझ पाएंगे। ओके, तो डक्टस वेनसस क्या है, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन ओम्बिलिकल वेन एंड इन्फेरियर वेना कैवा। ओके, इन्फेरियर वेना कैवा किधर रहता है, यह हो गया हमारा हार्ट। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दिस इज द राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर बल्ब, और इसको हम बोल सकते हैं ट्राइकोस्पिड बल्ब। दिस इज द एंट्रियो लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व और बाइकोस्पिड बल्ब। ओके, और माइट्रल वल्व। ओके, ऊपर से ये जो आता है आर्टरीज, इसको क्या बोला जाता है, राइट एट्रियम में सुपेरियर वेना कैवा, एंड लोअर पार्ट से जो जाता है उसको बोला जाता है इन्फेरियर वेना कैवा। ओके, तो डक्टस वेनसस जो है वो कहाँ का कनेक्शन है, बिटवीन द ओम्बिलिकल वेन। ओके, ओम्बिलिकल वेन एंड इन्फेरियर वेना कैवा। ओके, इधर अगर हमारा प्लासेंटा ऐसे हम क्रिएट करेंगे, ठीक है,
इधर ये अगर हमारा हो गया लीवर, दिस वन इज लीवर, ये प्लासेंटा, ठीक है, इधर से जाता है अम्बिलिकल वेन और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है हमारा इन्फीरियर वेना केवा। ओके, तो ये जो डॉक्टर्स वेनसस है ये हमारा, जस्ट ए मिनट, ये जो डॉक्टर्स वेनसस है, डॉक्टर्स वेनसस, ओके, ये क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन द ओम्बिलिकल वेन, ओम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा, ओके, यहाँ पे रहेगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स वेनसस, ओके, ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स वेनसस। ओके, समझ में आ गया अभी आपको। तो ये जो डॉक्टर्स वेनसस है ये क्या करता है, किसको बाईपास करता है, ये बाईपास करता है हमारा लीवर को। मैंने समझाया आपको कि ये अगर हमारा हो गया लीवर, ये हो गया प्लासेंटा, ये हो गया अम्बिलिकल वेन, ओके, और इधर से जाता है हमारा इन्फीरियर वेना केवा। तो इधर जो चैनल होगा बाईपास होगा, लीवर को बाईपास करके ये डायरेक्ट किसके बिटवीन कनेक्शन होगा, इन्फीरियर वेना केवा एंड अम्बिलिकल वेन, ठीक है, ये क्या हो गया, डॉक्टर्स वेनसस। ओके, तो डॉक्टर्स वेनसस क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा, इट बाईपास, किसको बाईपास करता है, लीवर को। ओके, देन इसका जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग है, विद इन 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, बेबी का बर्थ होने के 5 मिनट बाद ये क्लोज हो जाता है। ओके, एंड द एनाटोमिकल क्लोजिंग विद इन 7 डेज आफ्टर बर्थ, ये क्या होता है, इसका जो फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग है वो 5 मिनट्स के बाद क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स ये फंक्शन करना बंद कर देगा। फिजियोलॉजी समझ रहे हैं ना, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। ओके, तो ये जो लीवर को बाईपास करके डायरेक्ट कनेक्शन दे रहा था किसको, अम्बिलिकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा के बिटवीन, उसका फंक्शन बेबी जन्म लेने के 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, वो और काम नहीं करेगा। ओके, बट उसका जो एनाटोमिकल, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल क्लोजिंग, ठीक है, एनाटोमिकल और स्ट्रक्चरल क्लोजिंग जो होता है वो आफ्टर 7 डेज, बर्थ लेने के 7 डेज बाद वो क्लोज होगा। ओके, नेक्स्ट इज लेटर स्टेज में ये धीरे धीरे क्लोज होके, इसका जो एनाटोमिकल क्लोजिंग होगा, एनाटोमिकली क्लोज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम वेनसस। ओके, ये किस में क्लोज हो जाएगा, लिगामेंटम वेनसस। तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि डॉक्टर्स वेनसस, ओके, डॉक्टर्स वेनसस का जो रेमिनेंट है, डॉक्टर्स वेनसस का जो रेमिनेंट है या डॉक्टर्स वेनसस क्लोज होने के बाद किस नाम से जाना जाता है, वो होता है लिगामेंटम वेनसस। ओके, तो सेकंड बाईपास चैनल हम देखेंगे, देन देखेंगे हम फोरामेन ओवल, इट इज द कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके, इट इज द कनेक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो अगर हम इसको हार्ट लेते हैं तो दिस वन इज राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ में कनेक्शन रहता है हार्ट के राइट एट्रियम से लेके लेफ्ट एट्रियम के बीच में, ये कनेक्शन जो रहता है फिटस को, फिटस में इसको बोला जाता है फोरामेन ओवल। ओके, तो ये कनेक्शन किसको बाईपास करता है, ये बाईपास करता है लंग्स को। ओके, ये जो कनेक्शन है ये किसको बाईपास करता है, ये बाईपास करता है लंग्स को। तो फिजियोलॉजिकली जो क्लोजिंग होता है इसका, ये क्लोजिंग होता है 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। ये कब होता है, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, जब फिजियोलॉजिकली मतलब ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है। ओके, एनाटोमिकली मैंने नहीं बोला, मैंने बोला फिजियोलॉजिकली, एनाटोमिकली मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बाद में क्लोज होता है, बट फिजियोलॉजिकली क्या होता है, इसका जो फंक्शन है वो बर्थ लेने के 5 मिनट के अंदर अंदर इसका जो फंक्शन है वो रुक जाता है। ठीक है, ये और फंक्शन नहीं करता क्योंकि बर्थ होने के बाद बेबी का लंग्स काम करने लगता है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम एनाटोमिकल क्लोजिंग जो है,
फोरामेन ओवल का एनाटॉमिकल जो क्लोजिंग है वो कब होता है, विद इन वन ईयर, बच्चा जन्म लेने के एक साल बाद उसका जो स्ट्रक्चरल क्लोजिंग है वो हो जाता है, ओके। बट फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग आफ्टर 5 मिनट्स, ओके। देन जो रेमिनेंट रहता है इसका, मतलब 5 मिनट के अंदर इसका फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो गया और एक साल के अंदर अंदर इसका स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल क्लोजिंग हो गया, ओके। तो क्लोज होने के बाद इसका जो रेमिनेंट रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, फोसा ओवल, ओके। वो क्या कहलाएगा, फोसा ओवल, ठीक है। नेक्स्ट बाईपास चैनल देखेंगे, डिस्कशन करेंगे हम डक्टस एटेरियोसस, ओके। क्या होता है, डक्टस एटेरियोसस, ओके। सो डक्टस एटेरियोसस इज द कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एरोटा, ओके। पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। फिजियोलॉजिकली जो क्लोजिंग है इसका, ये क्या होता है, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाता है। कब क्लोज हो जाता है, 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ। एंड इसका स्ट्रक्चरली और एनाटॉमिकली जो क्लोजिंग होता है वो कब होता है, 1 से 3 महीने आफ्टर बर्थ, 1 से 3 महीने के अंदर ये एनाटॉमिकली क्लोजिंग हो जाता है, ओके। और डॉक्टर्स आर्टेरियोसस का जो रेमिनेंट रहता है, इसका जो रेमिनेंट रहता है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग हो गया 1 से 3 महीने के अंदर और फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग हो गया ये 5 मिनट के अंदर अंदर बर्थ लेने का, तो इसका जो रेमिनेंट रहता है, फिटस जो जन्म ले लेता है फिटस, उसके बाद ये क्या कहलाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो ये तीन जो पॉइंट है हमने डिस्कशन किया अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फोरामेन ओवली रेमिनेंट क्या कहलाया, फोसा ओवल। डॉक्टस आर्टेरियोसस उसका रेमिनेंट क्या कहलाया, लिगामेंटम आर्टेरियोसस, ओके। एंड हमारा जो डॉक्टस वेनसस, इसका जो रेमिनेंट क्या कहलाया, इसका रेमिनेंट कहलाया हमारा लिगामेंटम वेनसस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से नोट करके रखिए और इसको पढ़ाई करते रहिए, ओके। तो आज के लिए क्लास इतना ही, ओबीजी का हमारा जो फिटल सर्कुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं गाइज, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, हमको भी थोड़ा कोरेज मिलता है कि ठीक है चलो सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो हम और थोड़ा अच्छा लगता है क्लास लेने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।